हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। एक नया फ्रेश ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। तो भाई, आप देख रहे हो सामने अपने नेक्सन पुरानी वाली दिख रही है, क्यों दिख रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में। तो भाई, ये इसकी चाबी, ये है XZ प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट, और अभी की डेट में करेंटली चल चुका है ये 70,000 की समथिंग, ठीक है। तो भाई क्या है ये एक्चुअली टॉप मॉडल है और ये साढ़े चार साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है। ये मेरे पास आई थी क्योंकि अपने भाई का कहना था कि भाई अपन को इसको निकालना है। तो ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज गाड़ी इज फॉर सेल, ठीक है। ये गाड़ी अभी सेल के लिए है। आप चाहो तो मुझे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोई कांटेक्ट डिटेल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो बस ऐवें ही फोन करते हैं। मैंने ये चीज पहले फेस कर ली एक बार, तो भाई मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। बट अगर आप जेन्युइन बायर हो तो आप मुझे कमेंट में कांटेक्ट करो, मैं 100% आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है। तो ये अपनी जो है चार साल पुरानी नेक्सॉन XZ प्लस टॉप मॉडल है, जिसमें आप सारी चीजें देख पा रहे हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह है। उस टाइम सनरूफ नहीं आता था, बट पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट की, सब कुछ इसके अंदर है भाई, गाड़ी के अंदर, ठीक है। कंपनी रिकॉर्ड के साथ इसकी सर्विस कंप्लीट होती आई है, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है इसकी है, ठीक है। मैं आपको गाड़ी के बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं, अगर आप जानना चाहो कि गाड़ी में एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, तो मैं आपको एक बार छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बता देता हूं कि भाई इसके अंदर अपने जो है, तो भाई इसमें मिल जाता है 1.5 लीटर का रेवो टॉर्क टर्बो चार्ज डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 108 bhp की पावर और 260 nm का टॉर्क। इसी के साथ गाड़ी क्लेम करती है 23.33 के समथिंग का एवरेज, जो कि डीजल में इतनी बड़ी गाड़ी में काफी अच्छा एवरेज है। 350 लीटर का भाई बूट स्पेस इसके अंदर है। मैं आपको एक बार अगर बूट खोल के दिखा दूं तो भाई ये है भाई 350 लीटर का बूट स्पेस। अभी माइंड मत करना, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि सर्विस से होकर जस्ट आई है, सर्विस के लिए अभी जानी है, ठीक है। तो भाई ये है अपनी गाड़ी नेक्सॉन XZ प्लस 44 लीटर का जो है इसका डीजल टैंक है, ABS, EBD, ये सारी चीजें आती हैं। 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है गाड़ी के अंदर, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ठीक है। मैं अगर आपको एक बार चालू करके दिखा दूं तो ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, गियर नॉब है, मोड सिलेक्टर है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये अपना बढ़िया लेदर वाला स्टीयरिंग व्हील है, इस तरह का हॉर्न है। ये अपना जो है पूरा इंटीरियर है इसका, ठीक है, फ्रंट का ये इस तरह का, और ये वाला जो है अपना रियर का। इसमें सीट कवर भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी के डले हुए हैं, अभी तक इनका कुछ बिगड़ा नहीं है। पीछे AC वेंट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। गाड़ी बस दिखने में भी गंदी है क्योंकि सर्विस नहीं हुई है, अदरवाइज गाड़ी जो है पिंच कंडीशन में रखी हुई है। आपको अगर इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो अगर आप, तो मुझे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो। गाड़ी फर्स्ट ओनर है, जेन्युइन गाड़ी है, सही तरीके से चलाई हुई है, रगड़ी हुई गाड़ी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी कोई गाड़ी अपने चैनल पर दिखाना पसंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का कुछ नुकसान हो, ठीक है। तो ये गाड़ी मेरे पास आई थी फॉर सेल, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार दिखा दूं। अंडर कंडीशन पूरी बढ़िया है, टायर वायर जो है आप इस तरीके से देख लो अपने सामने, इस तरीके से, ठीक है। टायर की अभी जो है लाइफ अच्छी खासी है, आगे और पीछे दोनों। फ्रंट में डिस्क आ जाते हैं, रियर में अपने ड्रम ब्रेक आ जाते हैं, पीछे वाइपर वॉशर सारी चीजें हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटेना है, LED लाइट्स नहीं है, इसमें आती हैं अपनी हैलोजन लाइट्स जो कि जल रही हैं। ये वाली LEDs हैं जो स्ट्रैप है नीचे। XZ प्लस की बैजिंग आपको दिखा दूं अगर, तो ये रही अपनी XZ प्लस की बैजिंग टॉप मॉडल की, ठीक है। ऊपर रूफ रेल्स दिए हुए हैं और कुछ इस तरह का भाई टोटल गाड़ी जो अपनी है ये देख लो आप, ठीक है। इस तरह की भाई गाड़ी है अपनी, ठीक है। तो ये भाई टोटल गाड़ी अपनी, ओवरऑल व्यू, ठीक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने में तो आप मुझे नीचे कमेंट में कांटेक्ट कर लो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा और आपको जो नीड है। प्लस अगर आप जेन्युइनली इसको लेना चाहते हैं तो फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब एक बार आपको इंजन भी दिखा दूं। तो ये भाई कुछ इस तरह का इसका डीजल इंजन, बैटरी बिल्कुल नई डली हुई है, अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सारी चीजें इसके अंदर फ्रेश हैं एकदम, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।